हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 14 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। इसमें हम नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ ETS देखेंगे। तो जैसे कॉम्प्लेक्स 1 हो गए, इसे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको FADH डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसको इसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर आएंगे, कॉम्प्लेक्स 5 का ATP सिंथेज। इसको सिंपल सा देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी जो होता है वो दो फॉर्म में फॉर्म होता है, FADH और NADH2। तो NADH2 जो है वो एक मॉलिक्यूल NADH का 3 ATP दे सकता है और FADH2 2 ATP, मतलब बड़ा कौन हुआ इसमें, NADH हुआ। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा वाला जो होगा वो फर्स्ट में आएंगे, मतलब तो उससे कम जो होंगे वो सेकंड पे आएंगे। तो NADH फर्स्ट पे आ गए, NADH डिहाइड्रोजिनेज, FADH डिहाइड्रोजिनेज सेकंड में आ गया, और बीच वाला मतलब BC, ऐसे बीच याद रख सकते हैं, तो बीच में आएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में बीच वाले आएंगे साइटोक्रोम BC1। अब कॉम्प्लेक्स 4 आए, तो कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आते हैं, उसमें 2 कॉपर सेंटर और साइटोक्रोम ए और A3 आता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, A3 मतलब 3 हुए और ये साइटोक्रोम ए मतलब 1, तो 3 और 1 4, ऐसे याद रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जिसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर आएंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज, लास्ट में बनना क्या है, ATP बनना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। तो बेसिकली इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।